अंबाला छावनी में निर्माणाधीन शहीदी स्मारक का आज बीजेपी के तीनों मंडल अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे शहीदी स्मारक का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान विभाग के अधिकारी व ठेकेदार भी मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने जहाँ कुछ भी कोई कमी देखी उसे अधिकारियों को अवगत कराया गया और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन कमियों को दूर कर दिया जाएगा और 31 मार्च 2022 तक इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। इस मौके पर सदर मंडल के प्रधान राजीव गुप्ता ने कहा कि आज हम गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेश पर इस कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने शहर में विकास कार्यों में एक बाढ़ चला दी है। आज सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाकर इस कार्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है। यह क्या क्या बनेगा और लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में भी अवगत कराया गया है। जो भी हमें इस कार्य में कमी दिखी है उससे अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अनिल विज अपने विधायक काल में भी विधानसभा में इसे बनाने की आवाज उठाते रहे हैं और अब जल्दी ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ जी, क्या नाम है? राजीव गुप्ता डिंपल, सदर मंडल प्रधान अंबाला छावनी। जी, आज के जो आपने दौरे किए इसके बारे में बताएं, कौन कौन लोग साथ आए? गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी का सपना जो है, जब से वह MLA बनते आ रहे हैं तब से वह विधानसभा में इसको उठाते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उसके पर अमल नहीं किया। जब स्वास्थ्य गृह मंत्री जी के प्रयास चलते रहे और उस दौरान हमारी सरकार बनी और उस सरकार में उन्होंने सबसे पहला जो कार्य है सिविल हॉस्पिटल, उसके बाद शहीदी स्मारक को लिया और शहीदी स्मारक आज हम अपने आँखों से इसको देख रहे हैं। आज हमने सारा इसका मुआयना किया है, प्रेजेंटेशन देखी है और उसमें मतलब इतना अविश्वसनीय बन रहा है कि इसको हम कभी भुला नहीं सकते और ये जिंदगी में ना भूलने वाले पल जो 1857 की क्रांति, जो स्वास्थ्य गृह मंत्री हमारे अनिल विज जी हमेशा विधानसभा में उठाते आए हैं और उसको आज ये साकार रूप में हम देखने का हमें मौका मिल रहा है, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और गृह मंत्री अनिल विज जी के कारण कि उन्होंने इतनी बड़ी धरोहर जो अम्बाला कैंट से, क्योंकि कांग्रेस हमेशा बोलती रही कि हमने आज़ादी दिलाई, कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, ये 1857 में आज का दौरा किस लिए किया? ये जो 1857 में क्रांति जब यहाँ से शुरू हुई उसके कारण ये आज यहाँ आज का दौरा किस लिए किया जा रहा है? आज का दौरा इसीलिए किया जा रहा है कि एक तो सभी कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो कि क्या यहाँ बनने जा रहा है, शहीदों ने यहाँ पर क्या क्या किया वो उनके बारे में एक जीवनी के रूप में एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई और क्या क्या यहाँ बनेगा उसके बारे में सारा बताया गया और सभी कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली। आज एक्शन हमारे साथ एक्शन साहब और SDO दोनों और बाकी इंजीनियरिंग ब्रांच की टीम यहाँ पर मौजूद है और उनकी उसमें ही हमने आज ये सारा वर्करों को कार्यकर्ताओं को दिखाया है ताकि उनको पता चले कि अम्बाला कैंट में क्या शहीदी स्मारक के रूप में अम्बाला कैंट में एक धरोहर जो बनने जा रही है, जो एक सौपन था स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का, वह आज हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। कब तक बन के तैयार हो जाएगा ये? जो अभी अधिकारियों से हमारी बात हुई है उन्होंने बताया है कि मार्च 2022 में इसको हम सौंप देंगे, तो हम गृह और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि मैं प्रयास करूँगा कि हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों इसका हम उद्घाटन करवाएं। इन्होंने प्रोग्रेस के लिए जिस तरह बीजेपी के जिस तरह भी जो अपने अंबाला कैंट के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी ने विजिट की है, तो जितना भी कार्य प्रोग्रेस में है, क्या क्या कार्य चल रहा है, कितना कंप्लीट हो गया, कितना फिजिकली कंप्लीट हो गया, कितना क्या क्या आगे प्रगति में होना है, तो उस हिसाब से इन्होंने दौरा किया है, तो वो काम से काफ़ी सेटिस्फाई है और हमने इनको प्रोमिस किया है कि मार्च 2022 तक हम इनको कंप्लीट करके दे देंगे हर हाल में। जी, क्या नाम है आपका? निशांत, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कार्यकारी अभियंता। ठीक है। क्या नाम है? आरती सहगल, महेश नगर मोर्चा, महिला मोर्चा में महामंत्री। हम यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी, शहीदी स्मारक यहाँ पर बन रहा है, हमारे मंत्री जी ने शहीदी स्मारक यहाँ पर बना रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू है, हम यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें देखकर। औरों को भी प्रेरित करें सेल्फी के लिए, क्या कहें? हाँ जी, मंत्री जी के इफेक्ट से ये सब काम हो रहा है। ब्रेक।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।